कैसे जानना चाहेंगे आप पहले? सबसे पहले तो राइटर से ही जानिए, क्यों नहीं, कैसा लगा? अब हेलो, मुझे अभी जब मैंने देखा तो इट्स लाइक कि मैंने फर्स्ट कट भी पहले देखा हुआ है और फाइनल कट भी देखा हुआ था, बट अभी मैंने देखा तो अच्छा लगता है ऑब्वियसली बड़े स्क्रीन पर देखना. एंड बट यही है कि एक इनिशिएटिव है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने 100 out of 100 किया है या फिर मैंने कोशिश नहीं की थी. मैंने कोशिश 100% की है, हम सब ने, पूरी टीम ने 100% कोशिश की है. फॉर द फर्स्ट टाइम, बीइंग अ फर्स्ट टाइम, हो सकती है कुछ ऊपर नीचे रहा हो या कुछ अच्छा कुछ बुरा, बट इरिस्पेक्टिवली जो भी हमने देखा और आप लोगों का जो प्यार देखा मैंने, मैं क्योंकि मैं फिल्म से ज़्यादा मैं आप लोगों के रिएक्शन देख रहा था, सो इट वॉज़ लाइक दैट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट अबाउट द सिनेरियो, क्योंकि वो उसका मुझे बहुत टेंशन था. तो आया कि फिल्म देखने से ज़्यादा मुझे ये टेंशन हो रहा था कि आप लोग क्या रिएक्ट करोगे, तो जब आप लोगों ने तालियां बजाई लास्ट में तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आर्टिस्ट की वही बुक होती है, करेक्ट जी? आप बोले सनम, आप बोले. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता था मैं कर नहीं पाऊँगी. जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो कैरेक्टर में इतनी सारी चेंजेस थी कि मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी. मैंने जितना भी थोड़ा बहुत काम थिएटर से किया है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था. पर मेरे डायरेक्टर अनिल सर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मैंने पूरी कोशिश की. अब आप लोगों पे है, आप लोगों को कैसी लगी? हमें अच्छी, हमें तो बहुत, मुझे अच्छी लगी कि ये साइकोलॉजिकल ड्रामा है. एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, मेरी तो एक पूरी जर्नी वहाँ से तय हो रही थी. कभी मैं एम्पिरिसिज्म में जा रही थी, कभी आइडियलिज्म में जा रही थी, कभी मुझे जॉन पॉल सार्त्र याद आ रहे थे, कभी मुझे अपने लिखे हुए कुछ चंद अशार याद आ रहे थे. जब मैं कहती हूँ कि हर इंसान के भीतर वो ये सोचता है कि कद का बौना है समझता है सिकंदर खुद को, एक कतरा है समझता है समंदर खुद को, अपनी दुनियावी ख्वाहिशों से जो फारिग न हुआ, एक जुनूनी है समझता है कलंदर खुद को. तो हर इंसान की जो जर्नी है, आई वॉन्टेड दिस. और मुझे लगा कि जो माइंड एंड बॉडी है वो दोनों का जो बैलेंसिंग है बहुत ज़रूरी है. और 21st century में हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं, बिल्कुल माइंड को भूल जाते हैं, और कभी कभी माइंड की तरफ बहुत ध्यान देते हैं और बॉडी को बिल्कुल भूल जाते हैं. और हम सबके साथ ऐसा होता है. तो ये मूवी देखकर हर किसी को ये लगेगा कि मतलब योर सोमा एंड योर माइंड बोथ हैव टू बी बैलेंस्ड, दे हैव टू बी बैलेंस्ड, दे हैव टू बी इन परफेक्ट शेप बोथ ऑफ देम. इसलिए मुझे आपकी ये फिल्म बहुत अच्छी लगी. और मैं अपनी जो थीसिस लिख रही हूँ वो सब्जेक्टिविटी पे है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के लिए आपने मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया. क्योंकि हमारी जो सब्जेक्टिविटी है दैट इज़ लेयर्ड, और इन्होंने जिस तरह से मन को परत दर परत खोला है, एक राइटर की हैसियत से भी, एक एक्टर की हैसियत से भी, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आगे के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ. और संजय भट्ट जी को अपनी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज़ करना, उनको लोगों के सामने तक लेकर जाना, ये अपने आप में एक तरह का रेवोल्यूशन है, आई थिंक. मतलब ये ज़रूर कहना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, यू हैव डन वंडर्स. थैंक यू, थैंक्स. अब संजय भट्ट साहब, लोगों की तो पूरी फिल्म असल में रिलीज के बाद हाउसफुल होती है, आपका जो प्रीव्यू स्पेशल स्क्रीनिंग ही हाउसफुल था, हम लोग बाहर बैठे थे, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जगह नहीं हो पाए, तो मुबारकबाद हो सर, आपको मुबारक कहना चाहता हूँ कि आधी लड़ाई जो है आपने यही जीत ली है. नहीं देखिए, जब ये फिल्म मेरे पास आई और जो अभी का आए तो मैं बहुत शॉक था एक्चुअली इस पिक्चर को देखकर, क्योंकि जितने भी चैनल चल रहे हैं वो एक डिफरेंट काइंड का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं. जब ये फिल्म आई तो बहुत अप डाउंस हुए, बहुत बार सोचा गया कि इसको कैसे रिलीज़ करें, क्या करें, क्योंकि एक OTT का जो थॉट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका लोगों में. वो एक OTT को सिर्फ एक मोबाइल का ऐप समझते हैं, और काफ़ी कुछ जितने भी ऐप चल रहे हैं वो आप खुद समझते हैं उसमें कि क्या चीज़ दिखाई जा रही है. बल्कि अभी कुछ दिन पहले सूचना प्रसारण मंत्री ने भी कहा, तो कुछ लीक से हटकर चीज़ दिखाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर उसको लोग पसंद करें ये एक बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन आज जब आप लोगों को देखा तो बहुत अच्छा लगा, और कोशिश करेंगे इस टाइप की नए नए मास्क खोलते रहें, लेकर आते रहें. और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात ये है कि जब मैंने अमीर को कहा
तब ये तुरंत वहाँ से, इनकी शूटिंग थी और कश्मीर से तुरंत फ्लाइट पकड़ कर आए, अभी इनका बैग लगेज भी बाहर रखा हुआ है और सीधा एयरपोर्ट से आए हैं। तो मैं सबसे बड़ी खुशी इनकी हुई कि एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे फिल्म का रोल आपने देखा होगा और ये तो आप तो हर जगह इनको देखते हैं, सलमान खान के साथ भी देखा है इनको, आप हर जगह ही दिखाई देते हैं आपको, तो इनको मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका दावा देने के लिए, अभी इस फिल्म में का हिस्सा बनने के लिए, और आप सबका, आप सबने फिल्म देखी। मैं सलम को पिछले 10 साल से जानता हूँ, हमने बहुत काम साथ में किया है, और जब उसने मुझे ट्रेलर दिखाया था, इट वॉज लाइक 1.5 years बैक, तब मैंने इसे कहा था कि दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। उसके बाद मैं फिल्म का हिस्सा बना, इट वॉज लाइक अबाउट 1 year बैक, और इट वॉज अ कैमियो, बट आई वॉज लाइक आई फील लाइक यू नो, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म। और अल्टीमेटली यहाँ पे देखा, तब तो एक दिन का शूट किया था हमने, आई डिन बहुत रश में शूट किया था, एक दिन ड्राइवल करके शाम को वापस आना, पर अच्छा लगा बिकॉज टुडे आई कुड अंडरस्टैंड, तब तो ये क्या मेमोराइजिंग माई लाइन्स एंड उसको परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। आज जब पूरी फिल्म देखी, पूरा अंडरस्टैंड हुआ, और ख़ास तौर पर इन दोनों की परफॉर्मेंस के लिए मैं कहना चाहूँगा, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज विच आई हैव सीन टिल डेट, और बड़ा अच्छा लगा। आप दोनों ने भी अच्छा काम किया सर, कहाँ गया दूसरा नहीं, सबका काम बहुत अच्छा लगा। और ये तो शुरुआत है, ऐसे सेट लाइक यू नो, खामियाँ तो किसी भी चीज़, देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड परफेक्ट, हम ताजमहल में भी खामियाँ निकाल लेंगे, ऐसे कुछ इंसान तो ऐसा है, बट इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, और सर सर का थैंक यू कि उन्होंने इससे पहले फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स कहे और इतना अप्रिशिएट किया, मेरी तो 3rd फिल्म है मास टीवी, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ मास टीवी, और उनको जब हम एग्जैक्टली जो उनको हम अंधेरी में कहीं पे छुपे बड़े होर्डिंग पे देखते तो बड़ा अच्छा लगता है, लाइक यार ठीक है, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली आर लुकिंग फॉर, एक आर्टिस्ट को ताली ऐसा जरूरी है, दैट्स रेयर, बट क्लैप ताली ये हमारी खुराक है। थैंक यू। डायरेक्टर्स बात करें तो अनिल जी को रात को बुलाया मैंने, और अनिल जी के साथ हमने शायद रात को एक छोटा सा पीस फूड का भी खाया रात को 3 बज गए थे और मेरे पास घर से फ़ोन लगाता रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अनिल जी ने लास्ट में उसको पूरा पैचअप पूरा किया। सर बीइंग अ डायरेक्टर मैं तो निशब्द हो गया हूँ, क्योंकि जब अभिक ने ये सब्जेक्ट मेरे पास लेके आया तो मैं यही सोच रहा था कि ये सब्जेक्ट को जस्टिफाई कैसे करूँ, तो अगर अभी कहता है कि मेरा सब्जेक्ट जस्टिफाई हो गया तो मैं कहता हूँ मेरा काम 100% हो गया। क्या बोलते हो अभी? नहीं सर, मैं सिर्फ ये मेरी बात नहीं है या आपकी बात नहीं है, एक्चुअली इस फिल्म में जितने भी लोगों ने काम किया, मतलब लाइक एक एक्टर से लेकर सिनेमाटोग्राफर से लेकर डायरेक्टर से लेकर इनका प्रोड्यूसर से लेकर, अगर इन सबका सपोर्ट, चाहे वो राइटिंग में हो, डायरेक्शन में हो, स्क्रीन प्ले में हो, एक्टिंग में हो, अगर सबका सपोर्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि वी कुड हैव मेड दिस पॉसिबल। और अशोक का कहाँ है? अशोक का हमारे कैमरामैन है, और अशोक पांडा कैमरामैन बोलते कम है और ये बोलते कम है, दिखाते मैं चाहता हूँ कि ये कुछ बोले के लिए मैं बहुत काम किया, बहुत एक्सपीरियंस है और 10 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। I would like to quote, कम बोलता है पर इसका काम बोलता है। काम बोलता है। क्या बात? ये वही शायद। Very good। Next movie आ रही है उसमें। कुछ नया है, subject भी नया है, topic भी नया है और work style भी नया है। तो team ने बहुत अच्छा काम किया, सबको support, सबकी support और सबकी मेहनत ये कहाँ है पहुँच पाए, सबको thank you, Mass TV, Tech Films, Anil Sharma। Exactly। Ultimately सामने आनी चाहिए। सलाम जी यार। मीर सर्वर, मेरा नाम भूल गया, सॉरी, आपसे 20 साल है हमने 12 साल पहले काम किया साथ में, 20 साल जी मीर सर, और भी जो लोगों में भूल रहा हूँ नाम, अदर सपोर्ट स्टाफ, टेक्नीशियंस जो भी कैमरे के पीछे है, उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत किया जिसके लिए यह सक्सेस हो पाया। थैंक यू। एक्चुअल में इसके पीछे कहानी है, हर इंसान किस हद तक सोच सकता है वही है लीच, मेरे हिसाब से, हालांकि हर आदमी, लेकिन क्या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस जानवर को कैसे आप एंड करो, कहीं अगर सब्जेक्ट में कह गए हो तो शायद ऑडियंस बताएगी कहाँ क्या कहें। बिल्कुल देखिए, ये आपकी जो टीम है ना,
सारी टीम पागल पागल नहीं होती तो ये पागलपन का सब्जेक्ट नहीं बनाते, और आपने पागलपन से इसको जस्टिफाई किया है, और हर डिपार्टमेंट ने, हर करेक्टर ने, इवन आपका जो लोकेशन है उसने भी अपने आप को एक्टिंग की है, बिल्कुल यूज किया है, बिल्कुल जो 99% डायरेक्टर नहीं यूज करते, बिल्कुल, इसलिए आपने सबको, सारे जर्नलिस्टों को भी निशब्द कर दिया। क्या बात है, फील्ड में दीवाने ही आते हैं, अकल वाले नहीं आते, यहाँ पे दीवाने, करेक्ट है, दीवाने ही आते हैं। पागल है ऐसा नहीं है सर, एक चीज चाहूंगा, कुछ अलग करने के लिए ना पागल होना जरूरी होता है, वही एग्जैक्टली, अगर आप मेंटली सीख नहीं होंगे ना कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते, देन पैशन कह सकते हैं, जुनून कह सकते हैं, बीमार मत बनाओ। पागल, जिसने गल को अपने, बात को अपने गले में डाल लिया, वही पागल, वही कलाकार है, नहीं तो वो कलाकार हो ही नहीं सकता। एक कहावत, नेक्स्ट नंबर आप ही का है, हम सब पागल ही है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मंथ हम लोग अपने दूसरी मूवी लेकर आ रहे हैं, आजमगढ़, जो पंकज त्रिपाठी का स्टार किया वो है पिक्चर, हम लोग बिलाल लेकर आ रहे हैं, जो फर्स्ट अजान पर फिल्म तैयार की हुई है, जो 250 CR की मूवी है। तो देखिए, एक के बाद एक हम लोग मास्क खोल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं हम लगातार मिलते रहेंगे, ये टीम तो लगातार साथ रहेगी, इनके साथ अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हमारा आ रहा है अभी, जो नुक्कड़ के 6 एपिसोड शूट हो चुके हैं अभी, वो ही बहुत जल्दी हम देखने को, ट्रेलर आ जाएंगे शायद नेक्स्ट मंथ में, इस पिक्चर के साथ ट्रेलर देखने को मिले आपको, लेकिन कोशिश है कि आप लोगों का सहयोग रहेगा हमारे साथ, तो हम डेफिनेटली कुछ अच्छा काम करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। सवाल आजमगढ़ को लेकर है कि भाई आजमगढ़ का आपने एक बड़ा सा होर्डिंग पोस्टर लगा दिया था, जिसके बाद पंकज त्रिपाठी साहब काफी नाराज हो गए थे, जो उसके चलते विवाद हुआ, क्या वो विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है, आपको फिल्म को रिलीज करने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, बट साहब बताए। देखिए, ये जो विवाद हुआ है, ये विवाद, मैं तो इसे विवाद बेसिकली मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि एक जो सच्चा कलाकार होता है वो चाहता है मैंने जो कुछ भी किया है वो पर्दे पर आना चाहिए, और उनको भी ये ज़रूर खुशी होगी। देखिए, जबकि वो फिल्म शूट और उसका जो एंड हुआ है, वो जो समय था उस समय में शायद वो उतना सफल नहीं थे, तो उस वक्त शायद वो कहते ना, हम वी स्टॉप आवर सेल्फ स्पीकिंग, तो यहाँ उन्होंने मास्क लगा रखा था उस वक्त, अब उन्होंने मास्क खोल दिया है और उनको लगता है कि मैं बहुत सफल हूँ और मेरी उस सफलता के हिसाब से मुझे ट्रीट किया जाना चाहिए, और हमने उस सफलता के साथ ही न्याय करने की कोशिश की थी, और जिस व्यक्ति के साथ वो फिल्म बनाई गई है उस व्यक्ति ने उनके व्यक्तित्व के साथ, उनके चरित्र के साथ न्याय किया है, और उसमें हमें कम से कम किसी के भी ऐसे ग्रीन सिग्नल की आवश्यकता नहीं है, जिनका वो प्रोजेक्ट है वो हमारे साथ हैं, और मुझे तो लगता है कि पंकज जी भी जितने सहज और जितने सफल कलाकार हैं, वो खुद कह चुके हैं मीडिया में कि मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, वो उनके शब्द भी नहीं है आधिकारिक तौर पर, और ये फिल्म ज़रूर आएगी और आपको देखकर अच्छा भी लगेगा, और उनका काम बहुत खूबसूरत है, वो निश्चय ही बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत सहज कलाकार हैं। देखिए, सफलता तो चारों तरफ आपके बहुत सारे चार दीवारियाँ खड़ी करी देती है, उन चार दीवारों के बाहर आपकी आवाज़ कैसी सुनाई देती है और कितनी सुनाई देती है, ये तय करना आप लोगों के हाथ में, वो प्रोजेक्ट आएगा, वो जरूर आएगा।